तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि आप लोग का जो स्कूटनी का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अब रिजल्ट को मोबाइल में कैसे देखना है, इसका भी पूरा प्रोसेस आज हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है? जी हाँ, सभी बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि सर पेपर कब से होगा। देखिए, एक बात हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लोग का जो स्कूटनी का रिजल्ट होगा, ठीक है ना, वो पेपर शुरू होने से पहले जारी कर दिया जाएगा। इसको इसलिए पहले जारी किया जाता है कि अगर किसी बच्चे की, जैसे मान लेते हैं स्कूटनी में बैक वैक जैसे क्लियर हो जाती है, तो उसको फायदा होता है कि आगे उसको पेपर देना है कि नहीं। 13 लाख अभ्यर्थियों को नए आयोग के सक्रिय होने का इंतजार है, पूरी अपडेट अभी हम देखेंगे। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र। दोस्तों, प्रयागराज से क्या अपडेट है जरा देखते हैं। इससे ये होगा ना कि भाई बच्चों के लिए नया साल जो न्यू ईयर आ रहा है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि नए साल पर नौकरी या नियुक्ति पत्र मिल गया। उसके बाद देखिए, UPPSC की तर्ज पर विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती होगी, देखते हैं अपडेट को। 3500 शिक्षक अभ्यर्थियों की विषयवार काउंसलिंग आज से होगी। उसके बाद उच्च माध्यमिक के 19 और विषयों के परिणाम जारी किए जाएंगे, इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। जिलों में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई शुरू, ठीक है, क्या मामला है इसको भी देखेंगे। केंद्रीय सेवाओं में इस वर्ष यूपी और बिहार के 25,388 को मिली नौकरी, देखते हैं। PCS 2023 वरीयता और मेरिट पर मिलेंगे पद, ठीक है, इस अपडेट को देखेंगे। हाई कोर्ट में पहुंचा आयु सीमा में छूट देने का मामला। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यूपी में कोई वैकेंसी आती है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं जब कोई वैकेंसी अगर उत्तर प्रदेश में आ रही है तो यह मामला आराम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। उसके बाद परीक्षा डेट शीट देख सकते हैं, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर। बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि सर जो हमारा फर्स्ट या 1 तारीख से जो हमारा पेपर शुरू होने वाला था 1 जनवरी से, उसका क्या हुआ, क्या पेपर हमारा 1 तारीख से होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी अपडेट हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो की जरूरत नहीं होगी। पहले इस अपडेट को देखते हैं क्योंकि आप में से काफी बच्चे यूपी पुलिस के लिए आवेदन करने वाले होंगे। ठीक है, देखिए मामला क्या है, यूपी पुलिस भर्ती में, ठीक है, आयु सीमा की छूट का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। सर्वेश पांडे और अन्य 28 प्रतियोगियों ने आयु सीमा में छूट के लिए अर्जी दाखिल की है। याचिका पर शीत अवकाश के बाद सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि यूपी पुलिस में वर्ष 2018 के 5 साल बाद भर्ती आई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट दिया था कि 2017 से 2020 तक प्रत्येक वर्ष 30,000 भर्तियां अगस्त माह में निकालेंगे और उसे समयबद्ध तरीके से पूरी करेंगे, लेकिन 2018 में 41,520 और 49,568 की 2 भर्तियां के बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं आई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों ये, तो पूरी अपडेट हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बात। ठीक है, उसके बाद देखते हैं PCS, आप में से काफी बच्चों ने आवेदन नहीं किया होगा, जरा ही सबके वर्ष 2023 अब समापन की ओर है। यह वर्ष उन बेरोजगार युवाओं के लिए सुखद रहा जिनको नौकरी मिल गई है। वर्ष भर में उत्तर प्रदेश और बिहार के 25,388 युवाओं को केंद्रीय सेवाओं में नौकरी मिली है। केंद्र सरकार के कार्यालयों और मंत्रालयों में ग्रुप बी सी और डी के कर्मचारियों की भर्ती SSC से होती है। पिछले वर्ष भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया, 3 से 4 चरणों में होने वाली परीक्षा को 2 चरणों में पूरा करने लगे। ठीक है, प्रमाण पत्रों की जांच बंद कर दिया गया, इस कार्य को नियुक्ति देने वाले विभाग को दे दिया गया। इस तरह 2 वर्ष तक चलने वाली भर्ती अब 8 से 10 महीने में पूरी की जा रही है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, जिलों में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई शुरू। अब ये क्या मामला है इसको देखेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सोमवार को जिलों में शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस विषय में कितने बच्चे सफल हुए, रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने। ठीक है ना, स्कूटनी रिजल्ट को लेकर के अपडेट इसको देखेंगे, लेकिन जरा इस अपडेट को भी देख लीजिए। नव गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया शुरू होने से करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। यह अभ्यर्थी आवेदन करके 1.5 वर्ष से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, इसी आयोग के चक्कर में उनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने में आयोग का गठन होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसके अलावा कई अन्य पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। इस आयोग से युवाओं को बड़ी उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं।
डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के परीक्षा वर्ष 2023 का स्क्रूटनी का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। इसके अलावा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षण के अलग अलग वर्षों के सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम भी जारी कर दिया गया। इसमें बीटीसी 2015 तीसरे सेमेस्टर, डीएलएड 2017 था 27 लिख दिया गया है, तीसरे सेमेस्टर डीएलएड 2018 और 2019 के तीसरे सेमेस्टर का स्क्रूटनी परिणाम शामिल है। साथ ही दोस्तों डीएलएड 2021 के प्रथम और तृतीय, 2022 के प्रथम सेमेस्टर के स्क्रूटनी परिणाम भी जारी किए गए, प्रशिक्षु वेबसाइट पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए जो भी अपडेट्स आएंगे हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक ही बात आपसे कहेंगे, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर होता है क्या, तरह तरह की अफवाहें चलती हैं जिसके चलते आप लोग परेशान होते हैं। ठीक है, डीएलएड छात्रों के लिए जो भी खुशखबरी आएंगी, फेल छात्रों के लिए जो भी खबर होगी, ठीक है, वो सब हम कवर करते रहेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं पेपर कब से होगा, उसके बाद हम रिजल्ट को डाउनलोड करना सीखेंगे। देखिए आपको बता दें दोस्तों, जो हमारा डीएलएड का एग्जाम है अब वो नए साल पर होगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जो 1 जनवरी से पेपर होने की बात थी, आपको पता चल चुका होगा कि भाई देखिए सोशल मीडिया है, तरह तरह की यहाँ बातें चलती हैं, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर देखेंगे, तो चलिए पहले हम रिजल्ट डाउनलोड करना सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है और देखिए सर्च क्या करना है, DELEDRESULT.com, ठीक है, DELEDRESULT.com, सभी बच्चे इस वेबसाइट को जानते होंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर DELED रिजल्ट 2023 ये वेबसाइट दिखेगी, इसको ओपन कर लेना, ठीक है ना। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए DELED फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर, जो भी पुराने स्क्रूटनी के भी रिजल्ट है सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। क्लिक हियर पर सिंपल था, हमें क्लिक करना है, परीक्षा डेट सीट के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया, ठीक है ना। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए DELED 2019 बैच, 22 बैच स्क्रूटनी के रिजल्ट, जैसे 22 बैच के छात्रों को करना है, यहाँ पर क्लिक हियर पर हम नए पेज में ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो बस वेबसाइट ओपन हो रही है, और यहाँ पर अगर 2019 बैच का देखना है तो यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग भी यहाँ पर रखी गई है, इसीलिए जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आते हैं दोस्तों उस पर आप लोग नज़र बनाए रखा करिए। ठीक है, तो 2022 बैच फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए जुलाई 2023 के स्कूटनी रिजल्ट आपको दिख रहा है, थर्ड सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे और रोल नंबर यहाँ पर हम फीड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आप लोग अपने स्कूटनी के रिजल्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को 2022 बैच का रिजल्ट डाउनलोड करना है तो सिंपल सा क्लिक हियर पर हम क्लिक कर देंगे, ये भी आपको दिखा देते हैं। जैसे 19 बैच का हो गया, और यहाँ पर देखिए 2022 एग्जामिनेशन जुलाई 2023 स्कूटनी रिजल्ट, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आप अपना सेमेस्टर फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रोल नंबर डालना है, रिजल्ट आपका लिख कर आ जाएगा। देखिए रिजल्ट में कुछ चीज़ें रहती है, आपको बता दें, काफ़ी बार दोस्तों आपके रिजल्ट में क्या लिखा रहता है, एन और सी, इसका मतलब होता है नॉट चेंज, ठीक है, मतलब आपका नंबर नहीं बदला। कभी कभी रिजल्ट आपका पास हो सकता है, कभी कभी फेल हो सकता है। ठीक है, आप लोग आसानी से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक ही बात, सोशल मीडिया के अफवाहों से आपको बच के रहना है। रिजल्ट के लिए सिर्फ DELEDRESULT.com वेबसाइट आप लोग जान गए। पेपर हमारा दोस्तों कब होगा, पेपर हमारा जनवरी के फर्स्ट वीक तक क्लियर हो जाएगा कि पेपर कब से होना है। पेपर की पूरी तैयारी रखिए, नए साल पर पेपर होगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।